अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? अ वेरी हैप्पी लवली मॉर्निंग। जी जनाब, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक, वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। और आपको पता है, वो न्यू चैप्टर में आप और भी कुछ सीखेंगे। क्या सीखेंगे? न्यू राइटिंग क्राफ्ट। जी हाँ, आपको पता है ना कि 12 राइटिंग क्राफ्ट में से हम एक न्यू राइटिंग क्राफ्ट सीखेंगे, और वो कौन सा है? ड्रामा, ड्रामा राइटिंग। वाओ भाई, कितना मज़ा आ रहा है हमें। कभी हम डायलॉग राइटिंग सीख रहे हैं, कभी हम स्टोरी राइटिंग सीख रहे हैं, और अब न्यू चीज़, हम ड्रामा राइटिंग सीखेंगे। वाओ, आपको पता है कि इस चैप्टर में एक बादशाह हैं भाई। वाओ, बादशाह सलामत हैं, और उनके जो जब उनकी पूरी रियाया, जब उनका दरबार लगता था, तो उस वक्त क्या सीन क्रिएट होता था, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, चलें। सबसे पहले हम क्या करेंगे? न्यू वर्ड्स डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे? न्यू वर्ड्स। वेरी गुड। चलें, अब जल्दी से मेरे साथ रीड कीजिए चैप्टर नेम, The Just King. Read with me. The Just King. Very good. The Just King. Very nice. चलें, अब इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से new words हैं. First word is architecture. Planning, building, construction. Architecture हम किसको कहते हैं? आर्किटेक्चर हम उससे कहते हैं जो के बिल्डिंग्स बना रहे होते हैं, यानी कि कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं। किसी भी बिल्डिंग को बना रहे होते हैं, उससे पहले उसकी पूरी प्लानिंग की जाती है कि भाई कितना कवर्ड एरिया है, और कितने कवर्ड एरिया में क्या क्या चीज़ें बनेंगी और किस तरीके से बनेंगी, ये पूरी एक प्लानिंग की जाती है। हम इसे क्या कहते हैं? आर्किटेक्चर, कंस्ट्रक्शन करना। ठीक है, नंबर टू वर्ड इज जस्टिस। जस्टिस, ओके, जस्टिस मीन्स ऑनेस्टी, इक्वलिटी, फेयर प्ले। भाई यानी कि जस्टिस का मतलब होता है अदलो इंसाफ करना। ठीक है, यानी कि इंसाफ से काम करना, हर एक को इक्वल समझना। ठीक है, और जो भी जिसके हकूक हैं उन्हें प्रोवाइड करना। ओके, यानी कि हर एक के साथ जो भी, अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो उसके बारे में भी बात करना। ठीक है, यानी इंसाफ फराहम करना। ओके, द थर्ड वर्ड इज़ बो। बो और एरो, अब इसका क्या मतलब है? अ वेपन यूज्ड फॉर शूटिंग एंड हंटिंग। आपने देखा होगा कि एरो जो बो होता है, यानी कि हम उसे क्या कहते हैं? तीर कमान। जी हाँ, उर्दू में हम कहते हैं तीर कमान। एक वेपन होता है ना, जिसके पास जो जिसमें एक एरो होता है, ठीक है, और इस तरीके से रबर बैंड लगा हुआ होता है जिसमें हम एरो को खींचते हैं तो एरो जाके लगता है। तो हम उससे क्या करते हैं? शूटिंग करते हैं या फिर हंटिंग करते हैं। हम उससे बर्ड्स की भी हंटिंग कर सकते हैं, यानी शिकार कर सकते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? शिकार करना। तो वो हम तीर कमान को क्या कहते हैं? एरो, बो एंड एरो। ओके, नाउ फोर्थ वर्ड इज मर्सी। व्हाट इज मर्सी? ओके, पिटी, फॉरगिवनेस, कंपैशन, ग्रेस, यानी कि माफ़ करना। ठीक है, किसी के बारे में, यानी कि किसी को भी अगर किसी ने कोई गुनाह किया है, आपकी कोई दिल आज़ारी की है, ऐसी कोई बात की है कि जिससे आपका दिल टूट गया है, और फिर आप इस बात को भूल जाएं और उसे माफ़ कर दें, तो इसे हम क्या कहते हैं? मर्सी। क्या कहते हैं? मर्सी। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज़ ब्लेम। क्या है ब्लेम? यानी कि किसी पर इल्ज़ाम ठहराना। ठीक है, टू कंसिडर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ बैड डीड, टू फाइंड फॉल्ट।
किसी पर इल्ज़ाम ठहराना, किसी को कसूरवार ठहराना, ये क्या कहलाता है? ब्लेम। ठीक है भाई, आप भी तो अपनी बहन के भाई आप अपने बहन के टॉयज छुपा देते होंगे, है ना? छुपाते हैं आप? नहीं छुपाते। मगर अगर आप नहीं छुपाते फिर भी आपकी सिस्टर यही कहती हैं कि भाई ये भैया नहीं लिया होगा, होता है ना ऐसा, भाई ये तो भैया नहीं लिया होगा, ये तो बहुत दफ़ा होता है ना। तो इससे हम क्या कहते हैं? ब्लेम करना, यानी आपकी सिस्टर आप पर ब्लेम कर रही थी। ठीक है, ओके। इनोसेंट क्या है? द नेक्स्ट वर्ड इज इनोसेंट। क्या है? इनोसेंट, इनोसेंट, वेरी गुड। मीनिंग इज अ पर्सन हु हैज नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, फॉल्टलेस। यानी कि अगर किसी ने कोई गुनाह नहीं किया हो मगर हम उसे कसूरवार ठहरा दें तो वो क्या होता है? इनोसेंट होता है। मगर हम बिला वजह उसे कसूरवार ठहरा कर उसे सज़ा दे देते हैं, जो कि बेकसूर हम जिसे कह सकते हैं। ठीक है, तो हम उसे क्या कहते हैं? इनोसेंट। इंग्लिश में इनोसेंट, उर्दू में होता है बेकसूर। वेरी गुड, ओके। अब आपने बहुत अच्छे से मीनिंग पढ़ ली है, आपको पता चल गए हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है? इन वर्ड्स को, उनकी मीनिंग्स को अच्छे तरीके से अपनी टीचर के साथ भी डिस्कस करना है, और क्या करना है, आपने इन वर्ड्स की मीनिंग्स को कॉपी कर लेना है अपनी नोट डाउन में, अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे आप। ठीक है, और क्या करेंगे भाई? आप इन्हें अपनी टीचर को चेक करवाएंगे, और क्या करेंगे भाई? अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अल्लाह हाफिज़।